तब कोई गुजरा कल और कोई आने वाला कल नहीं होता, तब सिर्फ आप होते हैं और आपकी तन्हाई। वक्त की तफरीक और हिसाब किताब ख़त्म होकर रह जाता है। आप अजीब से टाइमलेस टाइम में फंसे होते हैं, जो दर हकीकत वहाँ होता ही नहीं है। इन लम्हों में पूरी कायनात रुक जाती है। राका पोशी पर भी वक्त ठहर गया था। वो सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो चुकी थी। वो सोच पा रही थी ना, वो वक्त का हिसाब रख पा रही थी। कितने बजे थे, रात का कौन सा पहर था, उसकी याददाश्त ने काम करना तर्क कर दिया था। हाँ, बस उसे नींद आ रही थी। वो गहरी मीठी नींद सोना चाहती थी, मगर उसे अपने लबों की कैद से आज़ाद होते अल्फाज फिजा में तहलील होते सुनाई दे रहे थे। सोना नहीं उफक, सोना नहीं, अगर हम सो गए तो फिर कभी नहीं जागेंगे। वो सोना चाहती थी। नींद, थकावट और प्यास से उसका बुरा हाल था, मगर दूर अंदर कोई उसे झंझोड़ कर उसे जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसे कह रहा था कि ना, वो ना सोए। हाँ, अंदर से वो भी जानती थी कि अगर वो इस रात सो गई तो फिर वो कभी नहीं जागेगी। उसे सोना नहीं था, खुद को और उफक को जगाए रखना था। वो वही अल्फाज बार बार किसी गैर इरादी अमल के तौर पर दोहराती। जाने कब इस दुनिया से, सर्दी बर्फ और धुंध की इस दुनिया से, इस दुनिया में चली गई, जहाँ कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई ख्याल, कोई जहनी कशमकश, कोई जमा और मकान की तफरीक ना थी। वो दुनिया जमानों मकान की कैद से आज़ाद थी। वहाँ मुकम्मल खामोशी और सुकून था। वो सो गई थी। पीर, 22 अगस्त 2005। इसके जहन में अंधेरा था। समातों में कोई आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी, मगर निगाहों के सामने गहरी तारीकी छाई थी। कमर के पीछे बर्फ की दीवार वो महसूस कर सकती थी। फिर उसकी आंखों से तारीकी झटने लगी और गहरा नीलाहट भरा अंधेरा उनमें भरने लगा। उसने पलकें झपकाई, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा और फिर कई दफ़ा। मंजर कदरे वाजे हुआ था। सामने दूर दूर तक फैले सिलसिलाए कोराक्रम की जामनी चोटियों की बर्फ नीलगुं रोशनी में चमक उठी थी। आसमान साफ था, धुंध छट चुकी थी। गहरे नीले आसमान पर सितारे बिखरे थे, झिलमिलाते, हर सू बिखरे चमकते सितारे। पहाड़ों से बहुत ऊपर तैरते बादलों के पीछे से नारंजी शुआएं झांक रही थीं। राका पोशी पर सुबह उतर रही थी। घूमते सर और चकराते जहन के साथ उसने दोनों हाथ बर्फ पर रखकर जोर लगाकर उठने की कोशिश की। वो बमुश्किल घुटनों पर जोर देकर खड़ी हो पाई। उसकी टांगें जमकर सुन हो चुकी थीं और दिमाग पूरी तरह माउफ था। उफक वहीं बैठा था, उसकी आंखें खुली थीं और वो जाग रहा था। परीक्षे को खड़े होने की कोशिश करते देखकर वो मुस्कुरा दिया। जिल्द इतनी खुश्क हो चुकी थी कि मुस्कुराते हुए खिंचने से जगह जगह से खून निकलने लगा। परीक्षे ने बेयकीनी से खुद को और उसे देखा। वो जिंदा थी, वो अब तक मरी नहीं थी। वो अब भी शायद किसी के पुकारने पर उठी थी। किसने पुकारा था उसे? उसने सामने फैले पहाड़ी सिलसिले पर निगाह दौड़ाई। दूर पहाड़ों के दरमियान से आवाज़ आ रही थी, बर्फानी तूफान के चिंघाड़ने की आवाज़। मगर वो तूफान की आवाज़ नहीं थी, वो कोई धब्बा सा था जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने आंखें सुकेड़ कर देखा, धब्बा बड़ा होता जा रहा था, सब्ज़ रंग, दरमियान में चमकता चांद सितारा। उफक, उठो, वो आ गए हैं, वो एकदम जोर से फटी आवाज में चिल्लाई। इसकी बेहद खुश्क जिल्द से खून निकलने लगा, मगर वो परवाह किए बगैर इस सबज हेलीकॉप्टर को देखते हुए चिल्लाने लगी, जो फजा का सीना चीरते हुए उनके करीब पहाड़ के सामने की जानब बढ़ रहा था। उफक, उठो, मैंने कहा था ना, वो आ जाएंगे, वो आ गए हैं, वो खुशी से रोने लगी। वो हमें छोड़कर नहीं गए, देखो सामने वो आ गए हैं। वो खड़ी तो थी ही, अब उसने पूरी कुव्वत से दोनों बाजू उनकी जानब हिलाए, फिर मुंह के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर उनको आवाज़ देने लगी, हेल्प, हेल्प। वो उन्हें दोनों हाथों को हिलाती अपनी जानिब बुला रही थी। सबज हेलीकॉप्टर की एक झलक ने उसमें जैसे नई रूह फूंक दी थी। हेलीकॉप्टर बहुत छोटा सा था। इसमें दो सुरमई यूनिफॉर्म में मलबूस पायलट बैठे थे। एक के चेहरे पर ग्लासेस थे और कदर दरमियानी उम्र के दिखाई देते थे। वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। वो जान गई कि वो कर्नल फारूक थे। उनका मुआवन पायलट नौजवान था और उसके चेहरे पर ग्लासेस नहीं थे। उसने परीक्षे को हाथ से अपनी जानिब आने का इशारा किया। चलो उफक, उठो, नकाहत के बावजूद उसने उफक को कंधे से पकड़ उठाना चाहा।
तुम जाओ इनके करीब, बदिक्कत तमाम वो बोला। उसके समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो उफक चलने का कह रही थी और वो उसे आगे भेज रहा था। दूसरी जानिब वो मावन पायलट मुसलसल उसे अपनी जानिब आने का इशारा कर रहा था। जाओ ना, उफक ने बैठे बैठे उसका हाथ पकड़कर उसे आगे धकेला। परीशे ने अपनी हिफाजती रस्सी खोली, फिर उफक की खोलनी चाही। वो खुल के नहीं दे रही थी, उसके हाथ कपा रहे थे। उसने चाकू निकालकर रस्सी काटने की कोशिश की। इसके इर्द गिर्द दस्तानों पर बर्फ गिरने लगी। रस्सी कट के ही नहीं दे रही थी। उसने गर्दन मोड़कर बेचैनी से हेलीकॉप्टर को देखा। मुआवन पायलट ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया था और हाथ में छोटा सा मूवी कैमरा पकड़े फिल्म बना रहा था। लरजते मुंचमद हाथों से उसने रस्सी काटी और आज़ाद होकर हेलीकॉप्टर के करीब जाने लगी। वो जगह किसी छत की मुंडेर की तरह थी, बर्फ का पुले सरात। वो सहज सहज इस पर कदम रखती हेलीकॉप्टर के करीब बढ़ने लगी, जो अभी तक उनके नज़दीक ही इधर उधर चकरा रहा था। इसके पंजे बर्फ से बहुत करीब थे, मगर वो वहाँ लैंड नहीं कर सकता था। परीशे से चला नहीं जा रहा था, कदम मन मन भर के हो रहे थे। उसे करीब आते देखकर मूवी बनाते मुआवन पायलट ने कैमरा रखा और बाजू उसकी तरफ बढ़ाया। वो उसको अंदर आने का कह रहा था। परीशे ने उलझकर उसे और फिर गर्दन फेरकर उफक को देखा। वो उसे अपनी जानिब देखता पाकर हाथ से अंदर जाने का इशारा करने लग गया। वह वापस हेलीकॉप्टर की जानिब पलटी। मेजर बिलाल उसे अंदर आने को कह रहा था। मेरा साथी जख्मी है, पहले उसे उठाओ, वो जोर से चिल्लाई, मगर हेलीकॉप्टर के परों की भारी खड़खड़ाहट में उसकी आवाज़ दबकर रह गई। मेजर बिलाल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और उसे दोबारा अंदर आने को कहा। वो एक पल को हिचकिचाई, फिर उसका बढ़ा हुआ बाजू थाम लिया। दूसरे ही पल वो हेलीकॉप्टर के अंदर थी। ओ सर, हम गए, बस हम गए, कलमा पढ़ लें सर, हंसकर कहते हुए मेजर बिलाल ने दरवाज़ा बंद किया। मेरा साथी जख्मी है, इसे सहारा देकर उठाना पड़ेगा, वो चल नहीं सकता। हेलीकॉप्टर के अंदर इतना शोर था कि वो चीखकर बोली। मेजर बिलाल ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और फिर हेडफोन फोन इसकी जानिब बढ़ाया। यू ओके मैम, इसे पहन लें। उसने हेडफोन थामा मगर पहना नहीं। बस वो फटी फटी निगाहों से शीशे के उस पार बर्फ पर बैठे उफक को देखती रही, जिसने सर फिर बर्फीली दीवार से टिकाकर आंखें मूंद ली थी। तब दफातन उसे एहसास हुआ कि उफक दूर होता जा रहा है। हेलीकॉप्टर फ़जा में ऊपर बुलंद हो रहा था। उसके अंदर जैसे अलार्म सा बजा। वो मेरा साथी, उसे भी तो उठाएं आप, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, भारी गड़गड़ाहट उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थी। उसकी बेचैन निगाहें नीचे बर्फ पर बैठे उफक पर जमी थी, जिसकी आंखें बंद थीं और गर्दन शाने पर ढलक गई थी। वो आंखें क्यों नहीं खोल रहा, वो गर्दन सीधी क्यों नहीं कर रहा, कोई इसके अंदर खतरे की घंटी बजा रहा था। उसे मत छोड़कर जाएं ऑफिसर, वो जख्मी है, आप लोग उसे उठाते क्यों नहीं। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता जा रहा था, परों का शोर बढ़ता जा रहा था। इस शोर के दरमियान उसे आगे वाली दोनों नशिस्तों पर बैठे पायलट्स की आवाजें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। लड़की चीख क्यों रही हो। सर आई थिंक इनको शौक है या कोई नफसियाती असर। और वो दूसरा लड़का बिलाल, तुम्हारा ख्याल है वो वहाँ है। नहीं सर, आई थिंक वो मर चुका है। अच्छा, मगर बॉडी तो रिकवर करनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट को। शोर बुलंद हो रहा था, उसके कानों के पर्दे फट रहे थे, उसका दिमाग चकरा रहा था। उसने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। वो क्या कह रहे थे वो सुनना नहीं चाहती थी। उसकी नज़रें दूर होते उफक पर थीं। वो चीख चीख कर उसे कहना चाहती थी कि वो आंखें खोले। वो उसे झंझोड़ना चाहती थी, उसे घसीट कर अपने साथ हेलीकॉप्टर पर लाना चाहती थी, मगर वो कानों के पर्दे फाड़ता शोर उसका जहन तारीकी में डूब रहा था। उसने खुद को जोर जोर से चिल्लाते सुना, वो जिंदा है, खुदा के लिए उसे बचाओ, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, उसे पुकारो, वो आंखें खोल देगा। मेजर बिलाल ने शायद मुड़कर उसकी तरफ रहम भरी नजरों से देखा और हेडफोन की तरफ इशारा करके कुछ कहा भी, जो उसकी गोद में धरा था, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा था और गहरा दबीज अंधेरा, और ये अंधेरा छाता चला जा रहा था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, पलकों के अध खुली दर्जों से नीला आसमान झांक रहा था। वो किसी चीज़ पर लेटी हुई थी और कुछ लोग इस चीज़ को हरकत देकर कहीं लेकर जा रहे थे। उससे आंखें नहीं खोली जा रही थी, वो बस चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तुमने मार दिया उसे, तुम उसे मरने के लिए छोड़ आए। वो
पता नहीं किस पर चिल्ला रही थी। कोई सुई की नोक उसकी जिल्द में कहीं चुभी और फिर गहरा अंधेरा और अनूदगी थी। फिर इसके कान में कोई मध्यम सरगोशी में कुछ कह रहा था। धीमे धीमे खूबसूरत आवाज़ उसकी समातों से टकरा रही थी। कोई इसके बहुत करीब था। किसी ने आज किसी इसके बालों को छुआ। गर्म सांसों की तपिश उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुई थी। उसने झटके से आंखें खोल दी। वो किसी अस्पताल का कमरा था। सफ़ेद दीवारें, सफ़ेद छत, बिस्तर की सफ़ेद चादर। उसने कोहनियों के बल उठने की कोशिश की। करीब खड़ी साड़ी में मलबूस नर्स ने झट उसके पीछे तकिया रखा। वो बैठ गई तो उसने बगौर अपने दाएं पहलू में देखा, जहां थोड़ी देर पहले कोई बैठा कुछ कह रहा था। अब वहां कोई नहीं था। वो बिस्तर पर अकेली थी। हैप्पी सेकेंड बर्थडे डॉक्टर परीशे। उसने चौंकर सर उठाया। करीब ही आर्मी यूनिफॉर्म में कर्नल के रैंक के डॉक्टर ने उसकी फाइल पर निगाहें दौड़ाते हुए उसे मुबारकबाद दी। थैंक यू सर। उसको अपना गला बैठा हुआ महसूस हुआ। उसे जुकाम भी था। कैसी हैं आप लिटिल ब्रेव गर्ल? बिल्कुल ठीक। वो खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। उसके जिस्म के किसी हिस्से में दर्द नहीं था। इसने एक नज़र खुद पर डाली। उसने हल्के से सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, जिनकी आधी आस्तीनों से उसके दूधिया बाजू बाहर निकल रहे थे। गर्म मोटे कपड़ों से उसे बिलाखिर निजात मिल गई थी। जिल्द भी खासी नरम थी। मुझे क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, सिर्फ नफ्सियाती झटका था, जो ज़ाहिर है किसी साथी के मर जाने पर महसूस होता है। बाकी सिर्फ दाएं हाथ की कलाई सूजी हुई थी। कई छोटे मोटे जख्म भी थे। वो किसी साथी के मर जाने पर के अल्फाज पर चौंक सी गई। मैं बेहोश थी क्या? कितनी देर तक? तीन दिन तक। आज 25 अगस्त है मैम। वो मुस्कुरा भी ना सकी। 3 दिन तक? मैं इतनी लंबी बेहोश नहीं रह सकती। नामुमकिन। बेयकीनी थी। आपको करना पड़ा था। आप हिस्टेरिक हो रही थी। मेजर बिलाल ने बताया था कि सम फ्रेंड ऑफ योर डाइड ऑन द राकापोशी। डाइड? वो सांस नहीं ले सकी। आपके अंकल आंटी और एक कज़न भी इस्लामाबाद से आई हुई हैं। इस्लामाबाद से? तो मैं किधर हूँ? आप गिलगित CMH में हैं। शायद आपको यकीन नहीं आ रहा कि आप एक डेडली माउंटेन से बचकर आ गई हैं। आपका रेस्क्यू माउंटेन क्लाइंबिंग की तारीख का। प्लीज़ मेरी कज़न को बुला दें, मुझे उससे बात करनी है। उसने बेचैनी से उनकी बात काटी। वो सर हिलाकर उसे आराम करने को कहकर बाहर चले गए। डाइड? उन्होंने ये क्यों कहा? वो किसी और की बात कर रहे होंगे, उफक की नहीं, हरगिज़ नहीं। उसकी निगाहों ने सामने आखिरी बार देखा, उफक का चेहरा घूम गया। बंद आंखें, कंधे पर ढलकी गर्दन, परीशे को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। दरवाज़ा हल्की सी आहट के साथ खुला और निशा अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा सुता हुआ और आंखें मुतवर्रम थीं। कैसी हो परी? वो उसके बेड के किनारे खड़ी हो गई। बैठी नहीं। निशा, उफक कैसा है? उसने बेकरार होती धड़कनों को बमुश्किल काबू किया। निशा कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही, फिर लबों को जुम्बिश दी। तुम ठीक हो जाओगी परी, शुक्र है तुम्हारे हाथ पांव फ्रॉस्ट बाइट होने से बच गए। निशा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, उफक कैसा है? वो जोर से बोली। उसको अपने कदम किसी कच्ची बर्फ पर खड़े लग रहे थे। अभी निशा कुछ कहेगी और इसके नीचे कच्ची बर्फ फट जाएगी। तुम आराम करो परी, हम फिर बात कर लेंगे। तुम्हारी तबीयत? निशा, खुदा के लिए मुझे बताओ उफक कैसा है? कोई इसके जिस्म से जान निकाल रहा था। निशा चुपचाप खड़ी लब काटती रही। वो बोल क्यों नहीं रही? वो चुप क्यों है? परीशे का दिल घबराने लगा। निशा, प्लीज़ मुझे बताओ, वो ठीक तो है? उसे बचाने गए थे या नहीं? खुदा के लिए निशा मुझे बता दो, वरना मेरा दिल फट जाएगा। निशा ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो ठीक है। परीशे ने बेख्तियार अपना सर तकिए पर गिरा दिया और थक कर सीने में दबी सांस खारिज की। तो डॉक्टर अरसा की बात कर रहा था। मगर निशा एक लहजे को रुकी। मगर क्या? एक सानियों को पूरी कायनात रुक गई। वो सांस रोके निशा को देख रही थी। मगर वो चला गया परीशे। चला गया? इसके दिल को धक्का सा लगा। किधर चला गया?